5 डिविडेंड कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर और इस साल भी वो डिविडेंड दे रहे हैं, और साथ में कुछ नोटेबल कुछ नाम जो डिविडेंड दे रहे हैं वो भी दोस्तों इन 5 स्टॉक्स के अलावा भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला नाम है भारत पेट्रोलियम। स्टॉक प्राइस अभी देखेंगे, अच्छा खासा अभी स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है, 372.15 अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें तो 79 रुपीस का डिविडेंड था, लेकिन उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी था, तो चूंकि उन्होंने रिफाइनरी अपनी बेची थी और उसकी वजह से वो डिविडेंड मिला हुआ था। तो इस अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फिलहाल नवंबर के महीने में 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड उन्होंने घोषित किया हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से फरवरी मार्च में डिविडेंड का ट्रेंड जाता है, लेकिन जो हमने लास्ट ईयर 79 का डिविडेंड देखा था वो इस साल फिर से वो डिविडेंड होगा उसकी चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार एक स्पेशल केस था जो उन्होंने रिफाइनरी बेची थी तो उसका उनको पैसा मिला था। बाकी जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट करे तो डिविडेंड मिलता है। जैसे क्वार्टर टू में अगर आप देखेंगे तो भारत पेट्रोलियम ने 3200 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो फिलहाल अगर इस फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करते हैं, 5 रुपए का डिविडेंड है, फिर वेट करना होगा कि किस हिसाब से फरवरी मार्च या फिर उसके बाद में भी कोई फाइनल डिविडेंड क्या देती है। अगला नाम है कोल इंडिया। स्टॉक प्राइस 146 के आसपास, पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करते हैं तो टोटल 16 रुपीस का डिविडेंड था। मतलब अगर आप यील्ड देखेंगे, अगर मैं 150 का भी अगर जो प्राइस है उसको पकड़ू तो 10% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड हो रही है। और दूसरी चीज, इस साल ऑलरेडी 9 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी पे किया जा चुका है, तो ये डिविडेंड जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स थे उनको दिसंबर 21 को मिल गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये एक चीज है। बाकी हिस्ट्री रही है कोल इंडिया की कि फिर से वो मार्च के महीने में डिविडेंड देती है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगले 2-3 महीने में क्या कुछ डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी, सब्सक्राइब करके रखिए जरूर इस चैनल को। अब हम तीसरे नाम की तरफ जाते हैं, इंडियन ऑयल। 110 रुपए के पास इसका स्टॉक प्राइस है, और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो टोटल जो डिविडेंड था वो 12 रुपीस का डिविडेंड था, तो आराम से ये भी जो डिविडेंड 110 रुपए के आसपास, तो 10% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड बन रही है इंडियन ऑयल में। और इस फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करें तो 5 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब देखना पड़ेगा कि फरवरी मार्च में क्या कुछ और डिविडेंड आता है कि नहीं, बट इंटरिम डिविडेंड जो है 5 रुपए का आ चुका है ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर का। फोर्थ नेम, चौथा नाम है REC। REC पिछले फाइनेंशियल ईयर 11 रुपए का डिविडेंड उन्होंने आप देखेंगे दिया हुआ था, और इस फाइनेंशियल ईयर में आप यकीन नहीं करेंगे 3 डिविडेंड दिए जा चुके हैं ऑलरेडी REC के द्वारा, 2.50 रुपीज, 1.71 रुपीज और 2 रुपीज का, तो टोटल 6.21 रुपीज का ऑलरेडी जो भी इन्वेस्टर्स है उनको डिविडेंड मिल चुका है। तो जस्ट थोड़ा सा 5% से कम की यील्ड है अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे, बाकी देखते हैं फरवरी मार्च में या कभी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे तो वो डिविडेंड देते हैं कि नहीं। REC के बारे में एक और यूनिक चीज है, बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 243 की है, मतलब बहुत ही नीचे है बुक वैल्यू के, तो एक तरीके से वैल्यू स्टॉक बन जाता है। वैल्यू ट्रैप है या फिर एक डीप वैल्यू स्टॉक है समय ही बताएगा। सेम वैसा ही पावर फाइनेंस, अगर REC का अगर आप देखेंगे तो पावर फाइनेंस REC को ओन करती है, एक बड़ा स्टेक है, तो 118 का इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे, पिछली बार भी 2 डिविडेंड थे तो टोटल डिविडेंड था 10 रुपए का डिविडेंड, और इस साल भी अभी ऑलरेडी आप देख सकते हैं 4.75 रुपीज का, मतलब 2 डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में भी। तो REC की तरह अगर इसकी भी अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे 255 की है, मतलब बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर में REC या PFC एक वैल्यू ट्रैप बन के ही रह जाएंगे या वैल्यू स्टॉक जो है यहां पर ग्रोथ करेंगे हमको बाद में ही पता चलेगा। अब देखिए जो भी हमने 5 नाम देखे ये PSUs के थे, तो PSUs में पॉलिसीज भी होती है कि 30% जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो कम से कम उनको 30 रुपए डिविडेंड देना है, ये PSU की पॉलिसी है, या फिर 5% का जो भी कंपनी का नेटवर्थ है उतना डिविडेंड देना है। तो इसीलिए जो भी डिविडेंड स्टॉक्स जो है वो हमको PSUs की तरफ से ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट मेकिंग जो भी PSUs है उनको डिविडेंड एक तरीके से देना ही पड़ता है। अब इसके जरूर डिबेट हो सकता है इसके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज कैश जनरेट करती है लेकिन शायद डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, तो
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अप्रोच में है, डिविडेंड पेइंग और नहीं नॉन डिविडेंड पेइंग। अभी जितने भी नाम हमने देखे 8-10% का या उससे भी ऊपर का जो डिविडेंड यील्ड इन्होंने पे किया हुआ है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां इसलिए डिविडेंड पे कर रही है और अभी भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे प्रॉफिट आ रहे हैं। अब कुछ अलग कुछ दूसरे नाम जो नोटेबल नाम्स हैं जो इन पांच में शामिल नहीं हो पाए हैं जो डिविडेंड दे रहे हैं, जैसे इरकॉन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, SJVN है, PTC इंडिया है, NMDC है। तो ये दूसरे पांच नाम है और उसके अलावा भी बहुत सारे नाम है। अगली बार फोकस करेंगे एक और वीडियो में कि प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनीज है जिनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी दोस्तों फोकस करेंगे। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 45,000 कम्युनिटी मेंबर्स ग्रुप में हमारे हो चुके हैं, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।